हर शब्द नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टीरियस नाइट्स एक कोशिश है आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने की। यहाँ पर दिखाई गए किसी भी वीडियो का मैं ये दावा नहीं करता कि वो असली है, वो सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से ली है। आई होप आप इस चीज़ को समझते हैं। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। आज हम बात करने वाले हैं जिन के बारे में, जिसे इस्लाम में जिन्नात भी कहा जाता है। ये क्या होता है? हमने अक्सर कहानियाँ सुनी हैं, चाहे वो अलादीन की हों, अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ हों, चाहे वो पुराने टेलीविज़न सीरीज़ अलिफ लैला की बात हो। हमने जिन के बारे में काफ़ी सुना है कि वो हमारी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर हमारे पास जिन है, अगर हमारे पास चिराग है, तो हम उस चिराग को घिस सकते हैं और उसमें से जिन निकलेगा और हमारी कोई तीन विश पूरी करेगा। हम जो तीन चीज़ उससे मांगेंगे वो हमें देगा। बचपन से हम यही चीज़ सुनते आए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन या जिन्नात इससे और कई बढ़कर है। ये चीज़ें हमें आज भी नहीं पता जिनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। जिन क्या है? पहले ये हम जानते हैं कि जिन आखिरकार है क्या। ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है। इस्लाम के मुताबिक भगवान ने तीन चीज़ें बनाई, तीन आप कह सकते हैं आइडेंटिटी दी, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। ये तीन चीज़ें इस्लाम में भी इसका आपको लेख मिलता है कि इंसान बनाया भगवान ने जिन को बनाया और फरिश्तों को बनाया। अब इंसान तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, कई लोग न्यूट्रल भी होते हैं। ऐसे ही जिन भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। अब ये जिन किस तरीके की होती, किस तरीके की पावर्स हैं इनके पास? इनके पास इनविजिबिलिटी की शक्ति है, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देते और ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। अब जिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो बुरे जिन होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप भगवान की पूजा ना करें, असली भगवान की पूजा ना करें, मतलब आप फॉल्स गॉड की पूजा करें या शैतान की पूजा करें, तो ये भटकाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो आपको भगवान की पूजा ना करने दे। जो बुरे जिन होते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि आप शैतान की पूजा करो। इसके लिए वो कई चीज़ें करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जितने भी चमत्कार वगैरह होते हैं अजीब तरीके के, जिससे लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँचाई जाए, ये सारी चीज़ें जिन करते हैं और वो भी बुरे जिन करते हैं। जिन एक तरह से इंसानों जैसे ही होते हैं, लेकिन वो उनके पास अलग शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि भगवान ने इनको बनाया है, इनके भी रिश्तेदार होते हैं, इनकी भी फैमिली होती है। और ये इंसानों को नुकसान तभी पहुँचाते हैं जब आप कहीं गलती से ही सही इनके परिवार को नुकसान पहुँचा दें, या आप पर ये तब हावी हो जाते हैं जब इनको आपसे प्यार हो जाए। आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ऐसे केसेस बहुत सामने आते हैं जिसमें कोई जिन एक इंसान को पसंद कर लेता है और उसके ऊपर हावी हो जाता है। जैसे हमारे इंसान में फीमेल और मेल होते हैं, ऐसे ही जिन में, जिन्नात में मेल फीमेल जिन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी जिन का किसी दूसरे अपोजिट सेक्स के ऊपर आकर्षण हो जाता है। जैसे कोई फीमेल है तो उसको मेल पसंद आ गया, वो हो सकता है इंसान हो तो उस पर हावी हो जाती है। ऐसे केस में अगर वो अपनी बात मनवाना चाहे तो शुरुआत में वो उसको बहुत मदद करती है, उसके काम नहीं बन रहे होंगे तो उसके काम बनने शुरू हो जाएंगे, कामयाबी मिलेगी, लेकिन उसकी उसको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसको कीमत ये चुकानी पड़ेगी कि जैसे वो जिन बोलेगी तो उसे करना पड़ेगा, वो जैसे चाहती है उसके साथ रहना पड़ेगा, और वो उसकी शादी कहीं और नहीं होने देगी क्योंकि वो उसको प्राप्त करना चाहती है। केस ये फीमेल मेल दोनों के केस में हो सकता है, ऐसा होता है, ऐसे केसेस सामने आए हैं। ऐसे केस में जो इस्लाम में है, फिर कुरान शरीफ पढ़ी जाती है और उसके कई सारे उपाय होते हैं जिसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बाद में कभी बात करेंगे। अब
अलादीन की कहानी हमने सुनी, हमने सुना कि वो जिन उनका गुलाम हो गया, अलादीन का गुलाम हो गया। कई लोग कहते हैं कि वो उनका दोस्त हो गया था। अगर दोस्त होता तो वो चिराग बिन नहीं रहता। जिन किसी के दोस्त नहीं हो सकते, उनकी प्रवृत्ति में दोस्त होना है ही नहीं। जिन और इंसान की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, दुश्मनी ज़रूर हो सकती है, प्रेम संबंध हो सकता है। अब कैसे बना इंसान, कैसे बना और जिन कैसे बना, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इस्लाम की माइथोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ। जितने भी मेरे आलिम फाजिल दोस्त हैं, जो मेरे करीबी हैं, उनसे मैंने काफ़ी मालूमात हासिल की है, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, जो इंसान होता है वो कुरान के मुताबिक मिट्टी मतलब क्ले और सॉफ्ट मड कीचड़ से बना हुआ है, उसी मिलती जुलती चीज़ से बना हुआ है। अब जो जिन हैं वो ऐसी आग से बने हुए हैं जिसमें धुआं नहीं है, स्मोकलेस फ्लेम, ऐसी आग से बने हैं, उनमें प्रवृत्ति ऐसी है, आग है जिसमें धुआं नहीं है, राइट, स्मोकलेस फायर। स्मोकलेस फायर से हम क्या समझते हैं, जिस आग में धुआं नहीं होता, इसका मतलब वहां पर कंबशन फुल हो रहा है, वो आग पूरी तरीके से जल रही है। पूरी तरीके से जल रही है मतलब उसमें हीट बहुत है, हीट शक्ति को, आग शक्ति को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब साफ होता है कि जिन बहुत पावरफुल होते हैं। अब हमने सुना था कि अलादीन ने जिन को कैद करके रख लिया, या उसका वो दोस्त था, वो जो भी उससे मांगता था उसकी विश पूरी हो जाती थी, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, जिन मैंने आपको बताया आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपकी बात वो मान रहे हैं उसमें उनका कोई फायदा है, उसमें क्या फायदा हो सकता है एक जिन का, ये हो सकता है, आपको पता है अलादीन के जो माँ बाप थे वो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को बहुत मानते थे, काफ़ी अल्लाह के बंदे थे वो, अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे। ऐसे में जो उनका पुत्र है, जो उनका बेटा है, वो भी अल्लाह को पूजेगा, क्योंकि उनके माँ बाप विरासत से उन्हें ये सब चीज़ें मिली है। लेकिन वो जिन नहीं चाहता था कि ऐसा हो। कई कहानी इसको तोड़ मरोड़ के बताई गई है, अरेबियन नाइट्स की जितनी भी कहानी है वो कहीं ना कहीं सही में घटित हुई थी, आप कह लो अरब देशों में ऐसा सही में हुआ था। आपने अरेबियन नाइट्स की 1001 कहानियों के बारे में सुना होगा, ये कहानियाँ सच्ची घटनाओं पर भी कहीं ना कहीं आधारित हैं। तो ऐसे केस में वो जिन नहीं चाहता था कि अलादीन भी भगवान को पूजे, इसीलिए उसकी सारी विशेष पूरी कर रहा था, ताकि वो उसको फॉल्स गॉड की तरफ ले जा सके, एक झूठे भगवान की ओर ले जा सके, भगवान से उसका विश्वास हटा दे और उसे सिर्फ जिन पर विश्वास हो, अपनी सारी मनोकामनाएं, वो जो चीज़ चाहता है वो भगवान को ना याद कर उस जिन से मांगे, और जिन कहीं ना कहीं उसे शैतान की तरफ मोड़ रहा था। जब चीज़ें आपको बिना भगवान के प्रे किए, बिना अल्लाह से दुआ किए मिल जाएं, तो ऐसे में आपका भगवान से विश्वास उठ जाता है, और ऐसे केस में इंसान गलत डायरेक्शन में चला जाता है, शैतान की पूजा करने लगता है। तो अलादीन के पास जो जिन था वो अच्छा जिन नहीं था, वो खराब जिन था, जिसने पहले अलादीन को सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी की, लेकिन बाद में हम नहीं जानते उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद कहानी के साथ काफ़ी तोड़ मरोड़ कर दी गई, उसके बाद हम नहीं जानते। अब जिन इंसानों पर हावी होते हैं, इंसान पर हावी होते हैं, इंसान के घरों पर हावी होते हैं, कई घरों में जिन देखे गए हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि जिन भूतों से बहुत अलग होते हैं। अगर आपको जिन का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि जिन्नात क्या होते हैं, तो आप इन्हें भूत का नाम दे सकते हैं, लेकिन आपके नाम देने से वो आइडेंटिटी उसकी बदल नहीं जाती। जिन भूतों से अलग होते हैं, इनकी फैमिलीज होती है, इनके रिश्तेदार होते हैं, ये वह ऐसा ही जीवन व्यतीत करते हैं जैसा इंसान करते हैं। फर्क ये होता है कि इनके पास अलग शक्तियाँ होती हैं, ये नज़र नहीं आते। हमने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स हैं, हमने देखा जंगलों में बहुत सारे मॉन्सर, अलग अलग तरीके क्रिएचर नज़र आते हैं, यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ भरी पड़ी है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये कौन है। तो मेरी थ्योरी यह कहती है कि ये जिन है, क्योंकि जिनों के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी बीइंग, किसी पेड़, किसी जानवर, किसी इंसान का रूप बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। तो वो ऐसे क्रिएचर का रूप भी ले सकते हैं जो अननोन हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया से अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पर आत्माओं का वास है, जहाँ पर जिन रहते हैं, ऐसी चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें रहती हैं। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरा दावा नहीं करता कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो हम क्रिएचर्स देखते हैं, जो अननोन क्रिएचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जिन्नात ही हैं जिन्होंने अलग रूप ले रखा है। अब हम कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे जहां पर जिन सामने आए हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ की हैं, कैमरे में कैद हुई हैं। ये वीडियो मैंने इंटरनेट से ली है और ये मैंने खुद रिकॉर्ड नहीं की है। कई लोग बोलते हैं अरे ये तो झूठ है, हो सकता है झूठ हो, लेकिन इंटरनेट पर ये चीज़ें हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इससे जुड़ी हुई वीडियोज़ मैं आपको दिखाऊँ।
चलिए देखते हैं जिन से जुड़ी हुई कुछ फुटेज। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जिन आपको नज़र तो नहीं आया, लेकिन वो जो काम कर रहा था, वो चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा था, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो आप साफ देख सकते थे, सीसीटीवी कैमरा या किसी कैमरा से ही कैप्चर हुआ है। हम ये तो नहीं जानते कि जिन अभी अच्छे हैं, हाँ बुरे हैं, क्या हैं, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, ये हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ हम जो कर सकते हैं वो इनके बारे में ज्ञान अर्जित करना। आप इंटरनेट पर इनके बारे में और सर्च कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको इनके काफ़ी मालूमात हैं तो आप उनसे जाइए, उनसे पूछिए इनके बारे में। देखिए, नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती, और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, चाहे वो माइथोलॉजी से ही रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत चीज़ें यहाँ जानने को मिली होंगी। और इन वीडियोज़ का मेरा यही मकसद है कि इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिले, ऐसी चीज़ जानने को मिले जिसके बारे में इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहा और कोई कैमरा के सामने आके नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ और आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सीरीज़ सिर्फ भूतों तक ही सीमित नहीं है, मैं और दुनिया के बहुत सारे राज आपके सामने इस वीडियोस में खोलूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो मैं आपको बता दूँ कि हर मंगलवार मैं 8:30 बजे ऐसी वीडियो लेके आता हूँ, जहाँ पर मैं आपको दुनिया के किसी एक बड़े रहस्य के बारे में बताता हूँ। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।